हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक फिल्म जिसका नाम है मिराज। ये फिल्म एक स्पेनिश ट्रिलर मूवी है। इस मूवी को आप हिंदी में देख सकते हो, ये हिंदी में अवेलेबल है। ये मूवी की लेंथ है 2 घंटा और ये मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है टाइम ट्रेवल का। तो जहां पर टाइम ट्रेवल की बात आती है वहां पर लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि कब इस फिल्म को देखे। तो मैं बोलता हूं कि भाई फिल्म को जरूर देखो, लेकिन इस वीडियो के बाद देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा इस फिल्म में हमें क्या कुछ देखने को मिला है। तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की। तो कहानी शुरू होती है 9 नवंबर 1989 में, जहां पर हमें एक लड़का बताया था जिसका नाम है निको। उस लड़के को गिटार बजाने का बहुत शौक होता है, तो इसलिए वो सोचता है खुद को रिकॉर्ड करे। तो इसलिए वो अपने कमरे में टीवी और उसके ऊपर कैमरा रखता है जहां पर वो खुद को रिकॉर्ड करता है। लेकिन तभी उसको पड़ोस से कुछ आवाज आती है लड़ाई झगड़े की। तो जैसे खिड़की का पर्दा हटा के देखता है तो सामने के घर हस्बैंड वाइफ झगड़ा कर रहे होते हैं। तो वो सोचता है क्यों ना जाकर देख लिया आखिर माजरा क्या है। उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूं इस मूवी में पर्सनली मुझे क्या अच्छा लगा। तो देखिए, मैंने टाइम ट्रेवल की कॉन्सेप्ट पे तो बहुत सारी फिल्में देखा, बहुत सारी बड़े बड़े बजट की फिल्म देखा, लेकिन ये फिल्म में जिस तरीके से टाइम ट्रेवल बताया वो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही यूनिक लगा। ऑल्दो इस तरीके की चीजें रियल लाइफ में होती नहीं, ना ही वो कोई भी रियल लाइफ में टाइम ट्रेवल आखिर है ही नहीं, लेकिन जिस तरह से मूवी में बताते वो आपको बिलीवेबल लगता है। और वाकई में इस फिल्म में भी जो जो चीजें बताई वो मुझे वाकई में बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि उन लोगों ने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया और उस एटमॉस्फेयर पे जो जो चीजें हो रही ना आपको बहुत ही अच्छी लग रही। उसके अलावा इस फिल्म में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स बताया वो ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको फिल्म में बांधे रखते हैं। स्टार्ट से लेकर एंड तक आप इस फिल्म को एंजॉय करोगे और आप लोग का दिमाग हमेशा इस फिल्म में चलता रहेगा। लेकिन एक जगह ऐसी आती है इस फिल्म में जहां पर आपको कुछ चीजें प्रिडिक्ट होने लगती है, और वाकई में जब फिल्म का एंड होने वाला होता है तो एंड होने से पहले वो चीज सही साबित होती है। उसके अलावा अगर परफॉर्मेंस की बात करो तो यहाँ पर एक कैरेक्टर जो बहुत शाइन होता है जिसका नाम है डॉक्टर वीर रॉय, उसी कैरेक्टर से आप पूरी तरह से यहाँ पर कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट नहीं बताया, यहाँ पर आपको वीर रॉय के पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताया, जो कि बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। और कुल मिला के ये फिल्म को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डायरेक्ट भी किया। उसके अलावा यहाँ पर आपको मनी हाइस्ट में जिस एक्टर ने प्रोफेसर का रोल प्ले किया यानी कि अल्वारो मोर्टे, वो भी आपको इस फिल्म में नजर आता है, मगर उनका काम कुछ इतना ज्यादा है नहीं, लेकिन जितना भी उनका स्क्रीन टाइमिंग है उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिखाया। उसके अलावा एक और एक्टर है जिसका काम मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कुल मिला के ये मूवी आप अपने फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। इस मूवी में एडल्ट सीन ऐसे कुछ खास तो नहीं, हाँ कुछ किसिंग सीन्स है जिसको आप इजीली भगा के देख सकते हो। तो डेफिनेटली अगर आपको टाइम ट्रेवल पे बनाई गई फिल्में पसंद है तो ये फिल्म आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। और इस फिल्म को देखने के बाद इसका एंडिंग आपको कंफ्यूज करता है किसी भी वजह से, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कमेंट सेक्शन में मुझे पूछना है कि भाई ये सब चीजें कैसे हुई थी, तो मैं आपको वहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप ये फिल्म को जरूर देखोगे। अगर आपको ये फिल्म पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप फिल्म ऑलरेडी देख चुके तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको फिल्म कैसी लगी थी। तो यार मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दुआ में याद रखना आप है आपके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में।